पंजाब नेशनल बैंक जो लगातार गिरता चला जा रहा है, और मैंने आप लोगों पे इस पे वीडियो भी बनाई थी और सारा कंपैरिजन करके भी दिखाया था कोटक महिंद्रा बैंक से शायद कंपैरिजन है। आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें समझेंगे कि कहाँ पे आपने गलती कर दी और कहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए थी। मैंने जब लोगों को बताया था यहाँ पे जब ये रिट्रेस ले रहा है यहाँ से तो एक ग्रीन सिग्नल देगा तो यहाँ पे एंट्री करनी है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग पहले ही एंट्री करके रखे थे 40 रुपीज़ के रेट में और फिर उसको एवरेज मेरे ख्याल से यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और पूछने लगे कि क्या करें इसके आगे के बाद। मैंने यार टोटली बोला था कि अगर ये 200 DMA को रिस्पेक्ट करता है तो ही यहाँ पे एंट्री ले, अब इसके ऊपर जब ये जाएगा तो तभी होल्ड करता है तो तभी ऊपर की तरफ में अब ये बढ़ सकता है, लेकिन अभी जब इसने 200 DMA तोड़ दिया अभी नीचे ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल नीचे की तरफ में जाना स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। अभी बंदे यहाँ पे रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। और मैं न्यूज़ के बारे में बता दूँ, जैसे कि मैंने मेंशन करा थंबनेल में कि 7 दिन में जो 22% से ज़्यादा ये गिरा है उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को बताते हैं कि QIP क्या होता है। QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लान है इन लोगों का, इसमें फंड रेज कर रहे हैं, अप्रोक्स इनको करना है 7,000 करोड़ के आसपास में, और इन्होंने अभी इशू करे हैं शेयर। आर्टिकल पर देख रहे होंगे इन्होंने कुछ 100 करोड़ के आसपास शेयर करे हैं, उसकी वैल्यूएशन 3,788 के आसपास में 35 रुपीज़ के रेट में इन्होंने जो इनके अकाउंट QIP हैं उनको दिए हैं, इंटरनेशनल बायर्स को दिए हैं। और ये 15 दिसंबर को ओपन हुआ था और 18 दिसंबर को क्लोज हो गया था, इसमें इनको इतना कलेक्ट हुआ 3,788 करोड़ के आसपास में। इसमें भागीदारी किन के थे जिन्होंने दिया है आप लोगों को, जैसे मैं बता दूं ओनरशिप में आके यहाँ पे कि इसमें ज़्यादातर स्टेक हमारा LIC का आ गया है और इंडिया का आ गया, गवर्नमेंट कंपनी का आ गया है, तो यहाँ पे इन्होंने होल्ड करा काफ़ी बड़ी मात्रा में, यहाँ पे होल्ड कर 85% जैसे आपको पता होगा इनका है, गवर्नमेंट है, और 4.19% इतना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने से क्या हुआ कि इसमें से थोड़े से शेयर निकाल दिए गए हैं 42 करोड़ के आसपास में जो इशू साइज था उसके ऊपर में करा है। ये सारा अमाउंट इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट जो इनके ऑपरेशन है वो सारे यूज कर सके उस चीज़ को लेके। अब मैं उस चीज़ जो ये बताने वाला हूँ कि इस इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, एंट्री कहाँ पे करनी है आप लोगों को जब ये अच्छा खासा एक सपोर्ट के तौर में रहे। अभी मुझे लग रहा है ये रिट्रेस के बाद एक फिर से एक डाउनफॉल ना आ जाए, आप लोग फिर से ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे, फिर ये जब यहाँ से रिट्रेस करके नीचे की तरफ में जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पे फंस सकते हैं इस चीज में। तो उस चीज को आप लोगों को समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है। इसके कुछ टेक्निकल्स आप लोगों को समझा देता हूँ। वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट मोजो वेबसाइट है, आप इस पर जाके विजिट कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव बताई है, जैसे कि आप इसका पी रेशो देख रहे होंगे वो भी नेगेटिव के ऊपर में जाया गया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से। डिविडेंड यील्ड तो है ही नहीं बिल्कुल, ROE भी माइनस में, ROE भी माइनस में, और नेट NPA भी इनका बढ़ता हुआ जा रहा है अच्छा खासा। मैं बैलेंस शीट में आप लोगों को दिखा रहा था कि इनके जो लॉसेस हैं, जैसे आप लोगों को नेगेटिव में देखे थे काफ़ी टाइम से कि इनके लॉसेस काफ़ी नेगेटिव में चल रहे हैं, तो उनको मैंने बताया था कि ये जो लॉसेस हैं इनको रिकवर कर लिया गया है अच्छा खासे तरीके से, लेकिन इनके NPA जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ग्रोस NPA वो बढ़े हैं, तो ये काफ़ी चिंता का कारण है इसमें। तो ये काम ख़राब ज़रूर करता है इसमें, और जैसे कि अगर इस टाइम की बात कर ले जाए तो यहाँ पे कभी मेमोरेटोरियम लेके आया गया था कि वहाँ पे अभी इंटरेस्ट भी कम मांगा जाएगा, मतलब लिया नहीं जाएगा कुछ टाइम तक के लिए, होल्ड के लिए जाएगा, तो ये उन पे थोड़ा सा काम ख़राब कर रहे हैं ऐसे बैंकों के लिए। लेकिन इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट पे उन्होंने अच्छा खासा तरीके से इंटरेस्ट अर्न किया अपना, लोग पैसे वापस दे रहे हैं अच्छे खासे तरीके से, लेकिन अभी इन्हें पैसे रेज करने की ज़रूरत पड़ गई इतने ज़्यादा कि जैसे 7,000 करोड़ के आसपास में इनको ऑपरेशन चलाने के लिए और कॉर्पोरेट वो सारी चीज़ें चलाने के लिए इनको ही 7,000 करोड़ के आसपास करनी पड़े, जिसमें से इनको 3,788 करोड़ के आसपास में है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूँ। निफ्टी की बात कर ली जाए तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना होगा, निफ्टी की बात कर ली जाए अभी निफ्टी हमारा ऑल टाइम के आसपास है और ये बिल्कुल ऑल टाइम क्रॉस भी नहीं करा है अभी तक,
तो यहाँ पे कंसर्न का पॉइंट रहेगा, अगर इसे थोड़ा ये स्ट्रांग होता है, और आपको पता है बैंकिंग और हमारा फाइनेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर कंपैरिजन करें हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पीएसयू बैंक्स और सारे ऐसे बैंकों पर पड़ेगा। प्राइवेट को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपने स्ट्रांग फंडामेंटल के तौर पर और सही मैनेजमेंट के जरिए वो अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में अच्छे खासी पोजिशन बना रखी है, उन लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको जैसे यहाँ पे 30 के रेट में अगर मिलता है तो आप यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 30 के बाद जैसे कि आपने यहाँ पे 30 पे कुछ लेवल्स बना लिए, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट कर सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल आने की उम्मीद है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉल के बाद थोड़ा सा रिट्रेस लेके या फिर ऊपर की तरफ जाना तो चाहिए। और जैसे आप लोगों को पता होगा 35 के रेट में इन्होंने बात करी है कि इन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स दिए हैं अपने इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिए हैं, जिसकी वजह से इसका रेट इतना ज़्यादा फॉल आया। जब ये 40 रुपीज़ के आसपास में चल रहा था, तो वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन जो हुआ है वो काम ख़राब किया है, कि ये जब ये QIP लेके आ गए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, जब कह रहे कि डिस्काउंटेड में 35 रुपीज़ में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इतने महंगे में लेके क्यों रहे। 35 में अगर मिल रहा है तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पोजिशन के लिए भी काटने के सोच रहे होंगे, कि यहाँ पे काट दे तो वो इंस्टीट्यूशनल बायर निकल ना पाए जल्दी से, एकदम इतना रेडी टू मूव देख के आराम से इजीली तौर पे। तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्न पॉइंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसको मैं फिर भी कह रहा हूँ 30 के लेवल पे अच्छे रेट पे है, और आप इसमें यहाँ पे और एक्युमुलेट कर सकते हैं इजी तौर पर। कंसर्न है कि ये बैंक कब रिकवर होगा, तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो कुछ टाइम देंगे तो ही बेटर रहेगा, 1-2 साल का टाइम देंगे तो ही ये पीओसी बैंक रिकवर कर पाएगा, और वो भी इतनी ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि 100 रुपए के अंडर में ही रहने वाला है बैंक, उससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते पीओसी बैंक। आप लोगों को पता है पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी है उसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप इसके एग्जाम्पल अगर SBI से कर लीजिए, तो वहां पे वो भी 250 या 300 के लेवल में ही फंस के रह जाता है, उससे ज्यादा वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इसके नीचे ये जो जिनके हालात जो ज्यादा खराब जो चल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लीजिए, तो ऐसे बैंक ही 100 के नीचे में रह जाते। तो मेरे तो यही रहेगा कि आप जैसे इसमें आपको प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिलती है, तो ऐसे शेयर से एग्जिट करके दूसरे जो प्राइवेट वाले बैंक है उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक से लेके या फिर किसी और बैंक से लेके, तो मुझसे कमेंट में सेक्शन में वहाँ पूछिए, मैं वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे जरूर दूंगा।